अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन डूइंग इट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का डे जो है मैंने स्टार्ट किया है, मैं जो है ना बैंक से अपने पैसे निकलवाने आई थी। गाइस हम ये काम कर रहे हैं और ये लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, बता नहीं सकती। मुझे घर जाना है और मैं घर जा नहीं सकती। सो देखते हैं कब तक छुट्टी होती है, वाइट भी काम हो रहा है, देख के पिक्चर्स लगाई जा रही है। खैर, और ये पंखा जो है मरने वाला है यार, इसको बंद कर दे। बाय बाय गाइस, बाय बाय। मरियम को आयशा ध्यान रखना, मरियम गिरना जाए पीछे दरमियान से ही ना निकल जाए। बाय बाय सच वाला। सो जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 दिन रह गए हैं ईद को। सो जो है ना सफाइयाँ जो है रूज पे हैं, सब सफाई करवाई जा रही थी, सब चीज़ें जो है ना निकाल के रख दी थी, उसे अच्छे से नीट किया जा रहा था। सो मतलब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और बहुत अच्छा मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है ना हिल रहे होंगे पत्ते पुत्ते जो दरख्त के हैं। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, ठंडी हवा थी और ऐसा लग रहा था बारिश लाजमी होगी, क्योंकि बारिश जो है ना वो सारी रात होती रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था और मुझे लग रहा था कि अब अगेन बारिश होगी क्योंकि मौसम जो है ना अभी बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में बारिश नहीं हुई, धूप निकल आई, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो रोज़ा रख के जो है ना मैं सो गई थी 6 बजे के टाइम पे, आई गेस मैं सो गई थी, और उसके बाद अब 8:30 उठी हूँ और मौसम चेक करें, धूप निकल आई है और बारिश जो मुझे लग रहा था होगी वो हुई नहीं है। ये देखें भाई, प्यारू सा यहाँ पर बैठा हुआ है, पता नहीं कहाँ से मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रही थी और इस टाइम मैं स्कूल जा रही थी। और पानी चेक करें कितना है। थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इफ्तार में आज ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि इतने रोज़े गुजरे हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहे हैं और अब जो है ना लास्ट में जाके समझ नहीं आ रही होती क्या बनाएं, और वैसे भी मतलब दिल नहीं कर रहा होता। इफ्तार करने के बाद मेरे माइंड में एक ख्याल आया यार, मतलब एक आइडिया आया मुझे कि यार मैं, मेरी फ्रेंड जो है उसको ईदी भेजनी है मैंने, तो मैं क्या उसके लिए क्रिएटिव करूँ, कुछ तो करती हूँ यार जो थोड़ा बहुत मतलब कर सकती हूँ। सो मेरे पास जो है ना ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, चीज़ें अवेलेबल हो ना तो बंदा को बहुत कुछ बना लेता है। मेरे पास जो जो चीज़ें थी ना मैंने उसी को यूज़ करते हुए ये कुछ ना कुछ मैं बना रही थी। अब मुझे याद आया जी ईद मुबारक भी लिखना है, सो मैं ईद मुबारक लिख रही थी और साथ ये जो मेरे पास पड़े हुए थे पोस्टर कलर्स उसका भी यूज़ करते हुए मैं इसको जो है ना कुछ कर रही थी। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, सो बन रहा था। लेकिन जब आप जो है बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हो तो कुछ ना कुछ जो है मैं गड़बड़ भी हो जाती है उसके साथ साथ ही। अब मैं कर तो रही थी लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया मैंने। जब ये कम्प्लीट बन गया ना, उसके बाद फिर से मेरे माइंड में एक आइडिया आया, यार ये नहीं सही, फिर मैंने इसको उतार दिया, सारी मेहनत गई पानी में। लेकिन दोबारा से फिर मैंने कहा यार कुछ और करते हैं, मतलब फिर बनाना कुछ था और बन कुछ गया। फिर मैंने कहा यार स्टार्स ही कर देते हैं, और फिर स्टार्स भी इतने अच्छे नहीं बन रहे थे लेकिन मैं जो है ना बना रही थी। मैंने कहा यार अब कुछ तो करना है ना, फिर इस तरह जो है ना मेरे माइंड में आया यार क्रॉसेस लगा देते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा था वैसे ही बॉक्स। आप बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद इसके अंदर अब चीज़ें डालनी थी, मेरे पास ये बहुत सब कुछ मतलब मैं ले आई थी पहले से ही, और साथ में ज्वेलरी भी ले आई थी, सब कुछ मतलब हो गया था। अब मैंने इसके अंदर डालना था, सो बॉक्स को देख रही थी किस तरह जो है ना डाल के किस तरह का लगेगा। सो देखें भाई, दोबारा से आपको दिखा रही हूँ कि अच्छा है, वैसे बुरा भी नहीं है इतना। बेसिकली ये होता है कि मतलब दिल से आपने किसी के लिए कुछ किया है ना, ये मतलब क्या मैं अब इसमें बोलूँ, मतलब एक दिल से किसी को कोई भी चीज़ दी जाए तो वो मतलब बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो आप किसी को दिल से जो है एक कैंडी भी दे देना वो बहुत बड़ी बात है। सो मैंने जो है ना अपने बहुत प्यार से बहुत दिल से जो है ना ये बॉक्स बनाया। सो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना आइडियाज़ मिल गए होंगे कि किस तरह जो है हमने भी गिफ्ट्स देने हैं। और इसमें मतलब ये था कि मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह देनी थी, सो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना इसमें कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें भी ऐड कर दी जाए, सो बॉक्स भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मतलब अच्छा लगेगा, मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा, और इवन छोटा सा नोट भी लिख के दिया उसको, और बहुत बहुत मुझे मज़ा आया है बनाने में।
साथ ही जो है मैंने इसके अंदर ये इन्वेलप भी डाल दिया था और मेरा बॉक्स बिल्कुल रेडी है। अब जी टास्क था कि अब देकर भी तो आना है ना, बना लिया, इतनी मेहनत कर ली है, सो अब जाते हैं और देखते हैं रिएक्शन। जा रहे हैं ईदी देने और वहाँ जाके मिलते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है ना मम्मा, और मेरा कैमरा भी रेड रेड है क्योंकि इस पर कवर लगा हुआ है। पहुँच चुके हैं, अब दरवाज़ा खुलेगा। खोल दो भाई, खोलें, मैं आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। शूटिंग बाल छोटे करवा लिए? नहीं। सो गिफ्ट्स वगैरह दे के ना बाद मुझे याद ही नहीं रहा शूट करने का, और बहुत मज़ा आया, हमने मिलके बहुत सारी बातें की। ये जो है ना प्ले ग्रुप के एक टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ वीडियो शेयर की थी, मतलब उन्होंने मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड की थी, और मैंने सोचा क्यों ना ये भी आप लोग के साथ शेयर की जाए। उन्होंने अपनी क्लास में जो है ना ये एक बच्चों का जो है ना टैबलो करवाया था, और बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए थे जिससे बच्चे बहुत खुश थे। उनको बताया गया था, मतलब डिफरेंट चीज़ें बताएं कि रमज़ान जो है वो बेसिकली क्यों है, क्या है रमज़ान, ताकि बच्चों को थोड़ी बहुत जो है ना हाव ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है ना जब तक हम नहीं करते हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ पर जी बच्चे जो है जगह पर ही खड़े हैं क्योंकि इनकी पिक्चर्स बन रही थी साथ साथ। अल्लाह हाफिज़, सबको ईद मुबारक इन एडवांस। अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़। ये आपको किसने दिया मैम? सबा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़ कह रही जाए जाए। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ध्यान से बच गई हैं, ये पार्ट जरूर डालो, ये ब्लॉग में आ गया, ये कर नहीं सकती है अपने थोड़ा है। मैंने शूट कर लिया, मैंने शूट कर यार। अब ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, बच गई हैं। लेकिन ये एक और मतलब इसकी ईद थी इसलिए बाइक खुल गया। इसने भी तो ईद करनी थी, मैं क्या कह रही हूँ, इसने भी तो ईद करनी थी बेचारे। बंदा को बता दें जब उसको ना कवर करते हैं किसी को। बाय बाय स्कूल, बाय बाय स्कूल की सही बात है। और वो भी आपकी क्लास में जा रहे हो है ना? चले बाय बाय गर्ल्स। मैम कहीं ना हमने सही वाला बाय बाय नहीं किया। चॉकलेट इनको दे रही हैं और हम रास्ते में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जोड़ी, ये आज का हमारा दिन है जो कि सूरज ग्रहण पे ख़त्म होता है। मतलब आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, देखते हैं 29 की होती है 30। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है सैटरडे की होगी। नहीं आप 30 बताए ना, 30 रोजे होंगे और 38 आई मीन टू से 30 रोजे होने चाहिए, 30 रोजे होने चाहिए। आप बताएं गाइस, 30 रोजे होने चाहिए या 29? क्योंकि इनके ड्रेसेस स्टिच नहीं हुए, दैट्स व्हाई दे सेड इट। ओके, दरअसल रेडीमेड ही है इसको से। ओके, अच्छा मैं भी यही चाहती हूँ पर्सनली कि हफ्ते की ही ईद हो, सो लेट्स सी क्या होता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रही हैं सिद्दीकी अकबर? यस, ये भी एक स्कूल है। यहाँ आपकी फ्रेंड जाती है ना? कौन सी वाली फ्रेंड? जो भी मेरी फ्रेंड है ना वो नीचे कमेंट करें और मुझे बताए कौन सी वाली फ्रेंड है, मुझे तो खुद नहीं याद आ रहा।